जी हाँ, पहाड़ से जमीन तक प्रलय ही प्रलय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूँ आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू की तवी नदी में अचानक आए उफान में फंसे दो लोगों को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। चार लोग तवी नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी नदी में बैराज का पानी खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी लोग फंस गए। इनमें दो आदमी तैरकर बाहर निकल आए, जबकि दो लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली। तो जम्मू की तवी नदी में अचानक आए तूफान में फंसे लोगों का ये रेस्क्यू आप देख रहे हैं, कैसे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचाया गया है। दरअसल ये लोग, जिनकी संख्या चार बताई गई, ये मछली पकड़ने के लिए गए थे और तभी नदी में बैराज का पानी खोल दिया गया और नदी का जलस्तर बढ़ गया। तो ये तस्वीर उस रेस्क्यू की, जिसमें फंस गए थे ये लोग। और ऐसे में MI-17 किसी भगवान से कम नहीं था, क्योंकि ऐसे हालात में इनका बचना बहुत मुश्किल था और तब जाकर किसी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इन लोगों की जान को बचाया गया। दो आदमी तो तैरकर ही बाहर निकल आए थे, जबकि दो लोगों को वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर, जिसको आप देख रहे हैं, और वो दो लोग जिन्हें हम घेरे में दिखा रहे हैं लाल रंग के, इन्हें रेस्क्यू किया गया है। बेहद खतरनाक तस्वीर इस वक्त, और ये कमोबेश इस तरह की स्थितियां हर जगह बन रही है जहां बाढ़ बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। ये रेस्क्यू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट टाइम पे मैसेज मिला था, विद इन 2 मिनट इमीडिएट हमें किसी को रेस्क्यू करने जाना है। तो हम जो भी अपना ऑप्स इक्विपमेंट होता है, जो सर्वाइवर बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो रोप वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है, इमीडिएट हम लेके यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि चार बंदे जो है सर्वाइवर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, उनमें से दो तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो फिर जैसे ही पायलट हेली होवर होता है और पायलट के थ्रू हम लोग नीचे जाते हैं, दो को पहले बचा दिया जाता है। बाकी दो को बचाने के लिए एक्चुअली हेली ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी केबल है वो बिछी हुई है, उस वजह से टेल रोटर में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने 9 mm जो रोप है उससे अपना सीट हारनेस के थ्रू रेपलिंग की, रेपलिंग करके उन दो बंदों को पहले उनको विश्वास दिलाया, कोई बात नहीं, डरे हुए थे समय तो बिल्कुल ही, उनको विश्वास दिलाया, उनको हारनेस पहनाया। पहनाने के बाद पहले उन दोनों को हुकअप करके उनको सेफली पहुंचाया, तब तक मैं वहाँ वेट करता रहा। फिर हेली दोबारा आया और उसने मेरे को रिसीव किया। इस तरीके से हमने उन चारों मछुआरों को सेफली बचा लिया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस रेस्क्यू की, जो कि इस वक्त आप जम्मू की तवी नदी के दौरान किया गया रेस्क्यू है। देखिए खतरनाक तस्वीर, कैसे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से इन दो लोगों की जान बचाई गई। दरअसल हुआ ये कि ये लोग, जिनकी संख्या चार है, ये मछली पकड़ने के लिए गए थे तवी नदी में और इसी दौरान अचानक से बांध से पानी खोल दिया गया और नदी का जलस्तर उफान पर आ गया और ऐसे में ये चार लोग वहाँ फंस गए, जिसमें दो लोग तो किसी तरह से तैर कर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन दो लोग बुरी तरह से फंस गए, जिसे फिर MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। तो जवानों ने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया और इस तरह से अचानक बढ़ी नदी के जलस्तर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के कमांडो की जाबाजी से इन दो लोगों की जान बच गई। गरुड़ कमांडो के नीचे वहाँ वो पहुँचे, पहले उन्होंने किसी तरह से इन लोगों को उस रस्सी के ज़रिए अपने साथ जोड़ा जो कि हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई थी और फिर उसके साथ साथ वो हेलीकॉप्टर उड़ता चला गया और किसी तरह से इन लोगों की जान बचाई गई। ज़बरदस्त रेस्क्यू की तस्वीरें और लगातार देश भर में जहाँ जहाँ बाढ़ बारिश की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ इस तरह की तमाम तरह की खबरें हैं जहाँ लोग पानी में बह जा रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं किस तरह से ये रेस्क्यू हुआ। ये देखिए, ये चार लोग फंसे हुए आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जिनमें से दो लोग किसी तरह से तैर कर बाहर आ जाते हैं, वहीं दो लोग फंसे रहते हैं नदी के उफान में। दो लोग काफी देर तक फंसे रहने की तस्वीर और वहां बन रहे पुल की दीवार पर मदद का इंतजार कर रहे थे, ये दो वो लोग हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वायुसेना के कमांडो ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सीढ़ी की रस्सी टूट गई। तो इतना आसान नहीं था ये रेस्क्यू, लेकिन हमारे जवानों की जाबाजी ही थी कि उन्होंने इस रेस्क्यू को सफलता से अंजाम दिया। इसके बाद एक बार फिर वायुसेना के कमांडो उड़ान भरने के लिए तैयार हुए और फिर उन्होंने
हर वो कोशिश की जिसके जरिए इन दो लोगों को बचाया जा सके उफनती नदी के बीच से, और फिर इस तरह से गरुड़ कमांडो नीचे पहुंचे और फिर मदद के लिए देवदूत की तरह इन दो लोगों के लिए सामने, और उन्हें फिर रस्सी के सहारे खींच लिया गया। और इसके बाद एक बार फिर वायुसेना के कमांडो उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। जम्मू की तवी नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स का यह प्रयास, आप देखिए कि अपनी जान पर खेलकर जवान जो है इन लोगों को निकालने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। और पहले सुबह भी अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 घंटे से लगातार एयरफोर्स का अटैम्प्ट चल रहा था लोगों को निकालने के लिए, और अभी भारतीय वायुसेना का चॉपर फिर पहुंचा है, उनका जवान जो है वो लैंड कर चुका है और इन दो लोगों को जहां से निकाला जाएगा। हालांकि पहले जो दो लोग थे उनको निकालने की कोशिश की गई थी, इसमें जो दो लोग थे दोनों पानी में बह गए थे और लगभग 500 मीटर नीचे जाकर वो तवी नदी के किनारे लगे थे, वो दोनों अभी सुरक्षित हैं। लेकिन जो दो लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने के लिए सेना के जो एयरफोर्स के जवान जो है वो नीचे पहुँचे हैं और इन लोगों को यहाँ से बांध कर ऊपर की तरफ निकाला जाएगा। और एयरफोर्स का जो चॉपर आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल जो सामान उनको चाहिए था, जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं निकालने के लिए, वो उनको लगा दी गई हैं, वो उनको बांध कर इन दोनों लोगों को ऊपर खींचा जाएगा। एयरफोर्स का जवान जो एक रस्सी के सहारे नीचे पहुंचा है और जो लोग जो दोनों फंसे हुए थे उनको यहां पर पानी के बहाव से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको सामान पहनाया जा रहा है, और इसके बाद वापस जहाँ जब आएगा तो इन दोनों लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। इससे पहले भी एयरफोर्स की ओर से जो दो लोग थे उनको निकालने का अटैम्प्ट किया गया था जिसमें दो लोग डर के मारे पानी में कूद गए थे और लगभग 500 मीटर नीचे जाकर वो किनारे लगे थे, दोनों लोग बहुत सुरक्षित हैं। और यहाँ पर ये दोनों लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स का जवान जो वहाँ पहुँचा हुआ है और उनको जो बाढ़ से बचने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पहना दिए गए हैं, और एक बार फिर अटैम्प्ट किया जाएगा एयरफोर्स का जहाज जब दोबारा वापस आता है तो इन लोगों को जहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन राजीव के साथ पवन चंद्र, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। तो जम्मू की तवी नदी में ये उफनता हुआ सैलाब आप देख रहे हैं, और वहां पर हमारे जवान जो पहुंचे हैं रेस्क्यू करने के लिए इन दो लोगों को, कैसे उन्हें पहले पूरी टेक्निकलिटीज बताई गई कि किस तरह से उन्हें बांधा जाएगा, उनकी पूरी मदद की गई और पूरी तरह से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। लेकिन तस्वीर देखिए कितनी डरावनी है, पीछे लहरें लगातार उफान मारती हुई, और इस बीच हमारे गरुड़ कमांडो इन दो लोगों की जान की सुरक्षा के लिए हर वो कवायद करते हुए दिख रहे हैं, और फिर रस्सी की मदद से इशारा करते हुए हेलीकॉप्टर को कि अब आप रस्सी को ऊपर खींचिए और अब इन दोनों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का वक्त आ गया है। और इसके बाद धीरे धीरे रस्सी आप देख रहे हैं ऊपर खींचती जा रही है, और इसके साथ ही धीरे धीरे ये लोग भी ऊपर जाएंगे। और उसी पूरे प्रोसेस के दौरान देखिए पहले ये दोनों लोग गए ऊपर जिनका रेस्क्यू किया जाना था, ये देखिए ये सफल रेस्क्यू गरुड़ कमांडो MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया। जम्मू तवी नदी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन एयरफोर्स ने किया था काफ़ी ड्रामेटिक था, ये आप देख सकते हैं अभी भी पानी जो है तवी नदी में अभी भी जो बड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अचानक सुबह जो बाढ़ आई थी उसमें लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए एयरफोर्स ने यहाँ पर कई अटैम्प्ट किए थे और उसके बाद दो लोगों को जो रेस्क्यू किया गया, जो गरुड़ कमांडो दोनों हमारे साथ हैं। किस तरह का ऑपरेशन रहा आज का ऑपरेशन? हमें जब मैसेज मिला था तो रेस्क्यू ऑपरेशन दिया गया था, हमें बोला गया था कि ऐसे ऐसे कुछ बंदे फंस गए हैं, हमें काउंट नहीं पता था कि कितने बंदे फंसे हैं, तो बोला ऐसे बाढ़ आने की वजह से फंस गए, आपको इमीडिएट नोटिस पे पहुंचना है उधर। तो हमने अपना इक्विपमेंट उठाया और हेली में पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे आके पता लगा कि दो तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंसे थे, दो पे थोड़ा सा सपोर्ट था। उसके बाद हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि पहले सिंगल सिंगल करके निकाला जाएगा, फिर उस हिसाब से हमने उसको प्रोसीड किया प्लान। आपको लगी भी है जो शायद वो विंग्स ऊपर से जो रस्सी नीचे आ रही थी उसका काफ़ी आवर देख सकते हैं, तो यहाँ ये पूरा आपका छिला हुआ है। तो जो ऑपरेशन किया गया तो निकालने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, जो लोगों की एक पीसीस लाइफ को आपने बचाया है? जो सर्वाइवर थे उनकी लाइफ बचाने के बाद तो ये छोटी मोटी चोट तो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हमारे लिए जो चार लाइफ जो बची हुई जो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में जो फंसे हुए थे उनकी लाइफ बचाने के बाद तो ये छोटी मोटी चोट तो इग्नोर हो जाती है, और बहुत अच्छी अंदर से इतनी बढ़िया से खुशी मिल रही है कि चलो हमारे चलते चार लाइफ बची, चार फैमिली बच गई,
और आगे भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम अपने आप को वॉलंटियर लेवल पे हमेशा आगे रखेंगे। पहले भी एयरफोर्स की तरफ से कई ऑपरेशन से रेस्क्यू किए गए हैं फ्लडेड एरिया में, खास करके तवी रिवर में, लेकिन ये जो पॉइंट था जहाँ पर तीन बार अटेम्प्ट किया गया चॉपर को लेकर नीचे आना फिर वापस चले जाना, क्या वजह थी, वहाँ पर प्रेशर था? इसकी मेन रीज़न यही था कि यहाँ हाई टेंशन वायर जो केबल है वो दोनों तरफ से निकली हुई है और बीच में जो पिलर है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, और जहाँ जो हेलीकॉप्टर होवर करता है, होवर करने के लिए उसको स्टेबल रहने के लिए चारों तरफ का व्यू क्लियर चाहिए। अब वो जब वो हेलीकॉप्टर होवर करने के लिए नीचे आ रहा था तो पिलर जो है वो टेल रोटर में लगने की वजह से वो ज़्यादा नीचे नहीं ला पा रहे थे, और ज़्यादा आगे पीछे इसलिए नहीं हो पा रहे थे कि जो हाई टेंशन वायर है उसके चलते। तो अपने आप को हमारे जो पायलट है वो काफ़ी स्किल्ड पायलट थे, उन्होंने अपने आप को दो तीन बार सर्किट मार के इस हिसाब से अपने आप को मैनेज किया और उस एग्जैक्ट लोकेशन पे अपने आप को लेके गए ताकि न तो हमारा हेली को कोई नुकसान हो और जो हमारे जो बंदे फंसे हुए थे रेस्क्यू करने के लिए जिनको हम आए थे वो भी सेफली निकल जाए। ऊपर से जो हमारे जो हम लोग कमांडो जो हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने आए थे उनके लिए हमारी जान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसलिए उन्होंने दो तीन सर्किट मारे अपने आप को इनलाइन करके अपने आप को देन हम लोगों को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो बिल्कुल ये दोनों गरुड़ कमांडर एयरफोर्स के थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बड़ा क्लोजली दिखाएंगे कि जब ऊपर से नीचे एक अटेम्प्ट किया गया, जब सीढ़ी के बाद रस्सी लेकर नीचे उतरे थे तो वहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा जो निशान है रस्सी के वो उनके पूरे गले पर बन चुके हैं, और ये एक अटेम्प्ट, जो उनका कहना है कि चाहे हमारी जो अपनी जान थी उसको जोखिम में डालकर भी हमने प्रीसीस लाइफ को बचाना था, वो एक अटैम्प्ट था एयरफोर्स की ओर से और वो उन्होंने पूरा किया था। जो चार जिंदगी वहाँ पर थी जो फंसी हुई थी इसके बीच, उन लोगों को एयरफोर्स की मदद से, दो लोगों को पहले रेस्क्यू किया गया, दो लोग जो थे वो सीढ़ी पकड़ने के चक्कर में बह गए थे जो 500 मीटर नीचे जाकर तवी के किनारे लगे थे, वो भी बच गए हैं। और ये एयरफोर्स का एक सफल ऑपरेशन था तभी जो जम्मू तवी नदी है उसके फ्लड के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तवी नदी में फंसे लोगों को तो एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने बचा लिया, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो आसमानी आफत बरसी है उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बादल फटने की वजह से यहां तक 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 20 लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 30 लोग घायल हैं जिनका नजदीक के अस्पतालों में उपचार चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर है, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। नहीं चला, बाहर आया मैं अंदर से, हम लड़की के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा जवाई कहाँ है, बोलो जाँचपुर, मैं ऐसे आ गया, मेरे को पता नहीं लगा मैं बाहर आ गया, मेरे मलबे के नीचे दब आया पानी के साथ दब निकली, मेरे से ऊपर कोई नहीं था मेरा साथ। इस बाढ़ में लोग अपनों को खो रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ी संख्या में लोग खतरनाक रास्ते से निकलते दिखाई दिए। पहाड़ के बीच 2 फीट का रास्ता और नीचे काली नदी बह रही है जहां लोग जान की परवाह किए बिना रास्ता पार कर रहे हैं। ये रास्ता कितना जोखिम भरा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है तो उन्हें पिथौरागढ़ में रहते हुए इस जोखिम को लेना ही पड़ रहा है, और दोनों तरफ से आवाजाही हो रही है और ये आवाजाही किसी भी वक्त खतरनाक भी हो सकती है। इसका संकट हमेशा बना हुआ है, लेकिन लोग करें तो करें क्या, मुसीबत में जान को डालकर सफर तय कर रहे हैं, खतरनाक रास्ते पर जिंदगी बचाने की कोशिश, लेकिन ये जिंदगी कभी भी किसी खतरे का शिकार हो सकती है, ये मामला हमेशा बनता दिख रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक परिवार की गाड़ी नाले में डूबने से बड़ा हादसा हुआ है। बाढ़ के बीच बरसाती नाले में कार बहने से परिवार के एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता हैं। ये लोग दिल्ली से जिम कॉर्बेट घूमने गए थे और उसी दौरान रामनगर में तेज बहाव वाले बरसाती नाले में फंस गए। हादसे के बाद गाँव वालों ने महिला के 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से लोगों की जिंदगानी इस पानी के आगे बेबस नजर आ रही है, इस उफनती लहरों में जान कितनी बड़ी मुसीबत में है, ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। बरसाती नाले में बहकर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो सोचिए कि जो नदियां होंगी उफनती वहां पर आलम क्या होगा। नाले में बह रहे 2 लोगों की तलाश जारी है, बच्चे का रेस्क्यू कर दिया गया लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। ये लोग जिम कॉर्बेट घूमने आए थे तब ये हादसा हुआ है।
लेकिन उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी भी उफान पर है और इसके तेज बहाव में पहाड़ के कई हिस्से टूटकर नीचे भी गिरते चले जा रहे हैं। ऐसे में आसपास के इलाके में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे इस पूरे इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे में कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के किनारे बसे लोग किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं, क्या ताज़ा हालात वहाँ के हैं, हमारे सहयोगी दीपक मिश्र बता रहे हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। इस वक्त मैं पिंडर नदी को दिखा रहा हूँ। ये पिंडर नदी है जो कई किलोमीटर से आकर कर्णप्रयाग की तरफ जाती है और कर्णप्रयाग में ये नदी अलकनंदा के साथ संगम होकर आगे बढ़ती है। ये नदी का जो जल प्रवाह जो आप देख सकते हैं उफान पर नदियाँ हैं इस वक्त, क्योंकि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो जिस तरह के हालात उत्तराखंड के कई जिलों में हैं, उसके बाद वहाँ की जो भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ इस वक्त उफान पर हैं और इनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें साल 2013 की, तो 2013 में इन्हीं नदियों ने काफ़ी कहर बरपाया था क्योंकि ये नदियाँ उफान पर थी। आज अगर मौसम की बात करें तो आपको आसमान में बादल दिखाई देंगे क्योंकि सुबह का 6 बजे का समय है और आसमान में इस बादल की वजह है क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश रुकी है और बारिश थमने के बाद इलाके के लोग अपने रोजमर्रा की निजी ज़िंदगी के कामों को कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद कब बारिश शुरू हो जाए और कब यहाँ पर हालात ख़राब हो जाए इसके बारे में कोई किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि लोग जो है मौसम विभाग की हर भविष्यवाणी कहें तो हर अलर्ट पर ध्यान रखकर अपना काम को अंजाम देते हैं ताकि उन्हें इस भारी बारिश के बाद होने वाली मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक मिश्र, न्यूज 18 इंडिया, कर्णप्रयाग। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद से चमोली के छोटे छोटे नालों में भी अब बड़ी नदियां ऐसी लग रही हैं विकराल रूप ले रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नदियों में न जाने कितना पानी आ गया है, नालों के हाल ऐसे हो गए हैं जैसे वो नदी बन गए हैं। पिछले दिनों चमोली के देवाल में भी इसी तरह से बादल फटा था जिसके बाद कई मकान इसकी चपेट में आए। अब यहाँ पर नालों ने नदी का रूप ले लिया है जिसने यहाँ के लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। देखिए किस तरह से बादल फटने के बाद की स्थिति हुई है, लोगों के कपड़े, लोगों के सामान इधर उधर फैले हुए हैं और अब किसको क्या मिल पाएगा बहुत मुश्किल है ये कह पाना। लेकिन किस तरह से बरसाती नाले नदी से भी बड़ा आकार ले रहे हैं ये देखिए। गांव का नाम है फलदिया और ये उत्तराखंड के देवाल यानी चमोली इलाके में आता है और चमोली जिले के अंदर जो आपदा आई है बादल फटने के बाद ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है दरअसल ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये इसे एक यहाँ पर की भाषा में गधेरा कहते हैं। और अब इसका जो उफान है आप देख सकते हैं इसने नदी का रूप ले लिया है क्योंकि जो बादल फटा था उसके बाद यहाँ पर नदी ने विकराल रूप लिया है और इस पानी को पार करने के लिए क्योंकि नदी काफ़ी तेज बहाव में है गांव वाले और खुद हमें भी जिस गांव में ये आपदा आई है उस गांव तक जाने के लिए इसको पार करना होगा लेकिन रास्ता यही दुर्गम है। इन दुर्गम रास्तों से गाँव वाले जा रहे हैं क्योंकि कोई और व्यवस्था यहाँ पर वैकल्पिक नज़र नहीं आती है और मैं खुद भी जोखिम लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं गांव के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और सबको इसी रास्ते से इस नदी को पार करना है क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले ये एक मात्र गधेरा था लेकिन जब बादल फटा तो उसके बाद इसने विकराल रूप ले लिया और इसकी जो गति है वो काफ़ी तेज हो गई है। उत्तराखंड में चमोली और कर्णप्रयाग के बीच लगातार नदी नाले उफान पर हैं और किस तरह से दुश्वारियां लोगों की बढ़ रही है दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी बता रहे हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और इसके साथ साथ ही जिले के कई ऐसे हिस्से हैं जिनका संपर्क इलाकों से कट गया है। मैं इस वक्त उस नदी के पास हूँ जो पिंडारी ग्लेशियर से लेकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इस नदी की खासियत यह है कि अब इसका जल स्तर लगातार बीती रात से बढ़ने लगा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जल स्तर का बढ़ने का मतलब है कि पीछे की जगह पर कहीं भारी बारिश हुई है और क्योंकि उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ये स्थिति अब यहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ ही उत्तरकाशी में भयानक हालात हुए हैं तो वहीं पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोका गया है क्योंकि 55 यात्रियों का जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा पर था जिसे रात को लगभग 8 बजे के आसपास रोक दिया गया। और वहीं जो दूसरे ज़िले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, क्योंकि नैनीताल में भी एक टूरिस्ट गाड़ी जो है
वो बह गई थी, जिसमें दो लोग लापता हैं जबकि एक महिला की लाश बरामद की गई है। इसी तरह के हालात उत्तराखंड में कमोबेश हर जगह पर हैं और यही प्रशासन के जो इंजाम हैं, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट पर अगले 24 घंटे भी हैं। लेकिन जिस तरह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके बाद ये कहना मुश्किल होगा कि आगे के हालात क्या काबू में रहेंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है, उसके बाद आने वाले समय में हाई अलर्ट को देखते हुए इसका जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, चमोली, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ जिले में मानसरोवर यात्रा रोकी गई है। मानसरोवर यात्रा में जाने वाले 40 यात्रियों को मालपा इलाके में रोका गया, तो वहीं 13 यात्रियों को संकन इलाके में रोका गया। इन सभी को बूंदी इलाके से पहले रोका गया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने भारी बारिश और लगातार पत्थर गिरने की वजह से मानसरोवर यात्रा को रोक दिया है। जब तक रास्ता साफ नहीं होता, तब तक किसी भी यात्री को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरे जिले में हाई अलर्ट है, लगातार कई इलाकों में मार्ग बंद किए गए हैं। बारिश और जमीन खिसकने की घटनाएं लोगों की मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं और कहीं से भी लोग गुजर रहे हैं, ये हादसा हो सकता है, ऐसी लगातार संभावना है। और रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है मार्गों को साफ करने की, लेकिन इतना ज़्यादा सड़कों पर मलबा है कि उसको काफ़ी वक्त लगेगा ये साफ करने में। मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ में आपको बता दें रोकी गई है, इसकी वजह बारिश और ज़मीन खिसकना बताया गया है। पत्थरों के बीच से ऐसे उफनती हुई लहरें निकल रही हैं, जैसे लग रहा है कि पानी पत्थर को चीरते हुए एक अलग ही राह बना रहा है। पिथौरागढ़ और नैनीताल के रास्ते में कई जगह पहाड़ का हिस्सा टूटकर रास्ते में गिर रहा है, रास्ता बंद है, दूर दूर तक गाड़ियों का लंबा काफिला खड़ा नजर आ रहा है। क्या ताजा हालात वहां बने हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी बता रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बारिश के बाद इस तरह से लैंडस्लाइड आपको दिखाई दे सकती है। ये चमोली इलाके का वो हिस्सा है, वो हाईवे है जो ऋषिकेश, देहरादून से लेकर जौलजीबी, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी सब जिलों की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारी मलबा आया है, जिसके बाद लैंडस्लाइड के बाद जेसीबी मशीन को लगाया गया है। तकरीबन काफ़ी देर से यहाँ पर जेसीबी काम कर रही है क्योंकि जो मलबा है वो रह रहकर ऊपर से आ रहा है, जिसकी वजह से दूर दूर तक पीछे को आप देख सकते हैं यहाँ जाम लग चुका है। लोगों को कहीं ना कहीं जाना है, सुबह से लगातार ये जो सड़क है वो बाधित हुई है। और इसी तरह से लगभग जो जिला है चमोली जिला, यहाँ पर कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर संपर्क टूटा हुआ है, जिसके बाद इसी तरह से प्रशासन की टीमें जो हैं लगातार मुआयना कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जाम जितने भी मिले उन सबको खुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे समस्या जो बड़ी है वो यही है कि रुक रुक कर बारिश होने के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा है और सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड चमोली के इन इलाकों में देखी जा सकती है। और अभी यहाँ पर लगातार ऊपर से पत्थर गिर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हुए लोगों को यहाँ पर रोका जाता है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क को जो है सुचारू किया जा सके, क्योंकि अगले 24 घंटे भी उत्तराखंड में भारी बारिश की बताई गई है। और भारी बारिश होने के बाद जो अब यहाँ से अब धीरे धीरे यहाँ से जाम को खोला जाएगा। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, चमोली, उत्तराखंड। भारी बारिश और बाढ़ अब पहाड़ पर कहर बरपा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हालात सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही 22 लोग बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा शिमला में 9, जबकि सोलन में 5 लोगों की मौत हुई है। कुल्लू, शिमला, सिरमौर और चंबा में 2-2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाढ़ से 20 मकान बह गए हैं और कई लोग लापता हैं। अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बारिश की बाद भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद हमीरपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। पानी के तेज बहाव में 4 लोग फंस गए जो खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक शख्स पानी के तेज बहाव में जब बहने लगा तो उसने दूसरे का हाथ थामकर खुद को संभाला, हालांकि चारों को बचा लिया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल के हमीरपुर की, कैसे लोग उफनते पानी के बीच में फंस गए। ये तस्वीर बहुत खतरनाक, क्योंकि जरा सा किसी का भी बैलेंस बिगड़ा तो चारों के चारों एक साथ पानी के बहाव में बहते चले जाएंगे और कहां जाकर थमेंगे ये कह पाना मुश्किल। पानी के तेज बहाव में लोग फंसे लेकिन फिर इन्हें बचा लिया गया। और लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। मंडी में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और यहां पर कई लोग फंसे नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ब्यास नदी
भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई रास्ते इसमें डूबे नजर आ रहे हैं और ये एक बेहद अहम पुल भी, जिससे छूकर ये पानी बहता नजर आ रहा है और थोड़ा पानी बढ़ने पर ये पुल भी डूब सकता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं, मंडी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडी के बाद बात हिमाचल के कुल्लू की, जहां बाढ़ ने नदी किनारे बनी एक दुकान को पानी में किस तरह से समा दिया आप वो देखिए। कुछ देर पहले एक आदमी वहां से गुजरा था और अगले ही पल दुकान पानी के तेज बहाव में तहस नहस हो गई। ये आलम है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। देखिए एक दुकान आपको दिखी और पानी का बहाव इस कदर कि वो पूरा कटाव करते हुए दुकान को ही ले गया और इतना खतरनाक स्थिति में वो शख्स जो वहां से गुजरा, सोचिए उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी निकली कि वो समय रहते वहां से गुजर गया और उसके बाद ही ये दुकान धराशाही हो गई। अगली तस्वीर राजस्थान के बारा की, जहां नदी में नहाने के लिए गया एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि पांच लड़के बरनी नदी पर पिकनिक मनाने आए थे, तभी यह लड़का नदी में नहाने के लिए उतरा और पानी के तेज बहाव में बहता चला गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बचाया। लोग ऐसा क्यों करते हैं ये समझ से परे है, लेकिन इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालना और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ बाढ़ अपने प्रचंड रूप पर है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है उन लोगों के लिए भी जो ये हरकत करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो ऐसे लोगों को बचाते हैं। तो लगातार न्यूज 18 इंडिया भी अपील करता है कि इस तरह की हरकतों को अंजाम ना दें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि पानी आपकी जान की परवाह नहीं करता है, वो तो बस अपने बहाव में बहता चला जाता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अहमदाबाद में, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन टंकी गिर गई है और इसमें सात लोगों के दबे होने की खबर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर है। ये एक बड़ी खबर ऐसे में कि पिछले दिनों ही एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी और एक बार फिर ये निर्माणाधीन पानी की टंकी गिर गई है और कई लोगों के इसमें दबे होने की खबर है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, कितने लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है अभी भी? प्रशांत, देखिए जो दमकल के कर्मी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी कुछ लोग अंदर दबे हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा भी इसलिए भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत सारे मजदूर उस समय पर काम कर रहे थे और जैसे ही ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो निर्माणधीन वाटर टैंक थी उसका जो जैसे ही कोलैप्स हुई, लोग अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागे। तो अब तक हालांकि सात लोगों को मलबे से निकाला गया है, जबकि अभी भी कुछ लोग अंदर दबे होने की बात है, जिसके चलते दमकल के तकरीबन 30 से ज्यादा कर्मचारी अभी राहत बचाव में जुटे हैं वहां पर मौके पर। और ये अहमदाबाद का निकोल इलाका है, जो पूर्वी अहमदाबाद का इलाका लगता है, वहां पे ये निर्माणधीन इमारत थी और उसके निर्माण इमारत बने उससे पहले उसकी वाटर टैंक थी वो बनाई जा रही थी और वाटर टैंक बनने से पहले ही ये धराशायी हुई है। ये कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई जा रही थी, नगर निगम द्वारा, और भोजोगाम इलाका है वहां पर ये बचाव और राहत का काम लगातार जारी भी। शुक्रिया। आपको याद होगा अहमदाबाद में 12 तारीख को भी इसी तरह की टैंकी गिरी थी जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी। इधर हरियाणा के करनाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। करनाल में बाढ़ के हालात हैं, समझिए राहत बचाव का काम जारी है। लोगों की जो जिंदगी है वो जीवन यापन किस तरह से ठप होगा ऐसे माहौल में आप समझ सकते हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कवायद कर रही है। तो एक बोट की मदद से लाइफ जैकेट पहनकर अब हम उन गांवों की तरफ जा रहे हैं जिन गांव में पानी भर गया है, बाढ़ आई है। इस वक्त तस्वीर आपको दिखाते हैं उन घरों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है और तमाम जो घर हैं, जो मकान हैं, वो पानी में इस वक्त आपको डूबे हुए नज़र आएंगे। देखिए किस तरीके की स्थिति इस वक्त करनाल जिले की है।
करीबन 8 से 10 ऐसे गांव बताए जा रहे हैं जिनकी इस हालत इस वक्त इसी तरीके से आपको नज़र आएगी। वो देखिए लोग आपको सामने नज़र आएंगे किस तरीके से मिट्टी के टीले में जहां उनको जगह मिल रही है, कोई हाइट वाली जगह जहां पर वो खड़े हो सकते हैं वहां पर वो सहारा लेके खड़े हैं और इंतज़ार में हैं कि इस तरीके से कोई नाव उनके पास तक पहुँचे, उन तक दवाइयाँ पहुँचे, उन तक खाना पहुँचे, उन तक मदद पहुँचे। तो लगातार इस इंतज़ार में लोग खड़े हैं। सामने देखिए, ठीक सामने तस्वीर आपके सामने है जहाँ पर घर आपको जो मकान है वो पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। आधे से ज़्यादा मकान जो है पानी में डूबे हुए हैं और साथ साथ लोग जो हैं घरों में ऊंची वाली जगहों पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि मदद उन तक पहुंच सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त नाव चला रहे हैं। सर, ये मदद आप किस तरीके से कहाँ पहुँचा रहे हैं? अभी गाँव में जा रहे हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है हुआ है, ठीक है, और ये 8-10 गांव हैं जिनमें पानी काफ़ी है। जानी माल तो नहीं, किसी जानी नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा संपर्क टूटा हुआ है गांव में। सर, जित पानी जो देख रहे हैं हम, पानी काफ़ी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लेवल है पानी। हाँ जी, पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, 4-5 फुट पानी है यहाँ पे, यही दिख रहा आपको नजर आ रहा है। 10-20 फीट पानी बता रहे हैं। हाँ, वहाँ पे जो खाड़ा है ना जहाँ संपर्क टूट गया गाँव का, तो लगातार चीज़ें यहाँ पर देखिए कितनी खतरनाक हो चली हैं। कई जगह 10-20 फीट पानी पहुँच चुका है तो कहीं पर स्थिति और ज़्यादा खतरनाक है। एक टीम और है हमारे साथ, देखिए किस तरीके से दवाइयों की मदद जो है पहुँचाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से दवाइयाँ जो हैं वो गांव तक ले जाई जा रही हैं और ये मेडिकल टीम है इसी तरीके से लगातार जो है दवाइयाँ गाँव तक पहुँचाई जा रही। क्या मदद आप किस तरीके से ये दवाइयाँ बेसिकली अब जैसे बोट मिली है हमें तो गांव में पहुँचानी है ताकि लोगों की जो बेसिक नीड है, कोई छोटी बीमारी है, क्योंकि संपर्क गांव का बिल्कुल कट गया है, तो अभी गांव-गांव जाके ये दवाइयाँ हमें पहुँचानी है। तो आपकी कितनी टीम लगी हुई है? हमारी PHC भीड़ से हम तकरीबन 12-13 बंदे हैं जो आए हुए हैं, बाकी टीम डिवाइड कर